Good morning, student. The first chapter in your syllabus is cell. The cell is the structure which makes organism living. You can say that cell is the basic unit of life, and it is present in all living organism. Cell एक ऐसी चीज है जो living, जितने भी लिविंग चीज है उसके अंदर जरूर होगी, वो हमको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जिनमें सेल बहुत क्लियर नहीं डिफाइन हो पाती है, जैसे कि वायरस है, वो कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। लेकिन फिर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर होता है जो कि सेल बोला जाता है। तो सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल निश्चित तौर से होगी, सभी के अंदर सेल जरूर होती है। तो क्या खास बात होती है सेल की? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या खास बात होगी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। और दूसरी चीज़ होगी कि उसमें जितने भी एसेंशियल फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, वो निश्चित तौर से होगी जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मेटाबॉलिज्म है, रेस्पायरेशन है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन है, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल लेवल पर भी वो एक यूनिट होता है, फंक्शनल लेवल पर भी। जैसे कि आप मकान देखे होंगे, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है और हर एक ईंट एक यूनिट होती है। उसी तरह से हमारा बॉडी भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। सेल से टिश्यू फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से पूरी बॉडी हमारी बनी होती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी तरह से ये फंक्शनल यूनिट है। कोई भी बॉडी में फंक्शन जो होता है सेपरेट वन सेल या वन टिश्यू नहीं कर सकता है, पूरी यूनिट की तरह काम होता है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले लें तो उसमें बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और उस ऑर्गन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सेल जो है हमारे वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और सेल के अंदर में सारे वो प्रोसेस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के लिए जरूरी है, लिविंग बॉडी के लिए जरूरी है। वो सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर। एंटी वन लिवनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल, एक लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाले एंटी वन लिवनहॉक और डिस्क्राइब करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन ने, बाद में न्यूक्लियस की खोज की थी। हालांकि अगर जो सबसे पहला देखा बोला जाता है कि जिससे सबसे पहले उन्होंने देखा सेल को, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, जो उन्होंने सबसे पहले कार्क सेल में सेल को देखा था, लेकिन वो डेड टिश्यू थे, डेड सेल थी, लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले एंटी वन लिवनहॉक ने देखा था। स्लाइडेन ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को देखा था और प्लांट को उन्होंने बताया कि वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। इसी के साथ साथ लगभग उसी समय में स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को देखा, यानी कि स्लाइडेन ने प्लांट सेल को और स्वान ने एनिमल सेल को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो स्वान ने ये बताया कि सेल में बाहर की तरफ एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही बताया कि प्लांट सेल के बाहर एक और लेयर होती है, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर सेल वॉल होती है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने फिर मिल करके एक थ्योरी दिया, जिसको कि सेल थ्योरी बाद में कहा गया।
हालांकि इस थ्योरी से ये डिसाइड नहीं हुआ कि सेल कैसे फॉर्म होती है, लेकिन सेल की क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में उन्होंने बता दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। इस तरह से उन्होंने सेल थ्योरी दिया। इसके बाद विरकाव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से कोई सेल है उससे नई सेल डेवलप होती है। तो सेल थ्योरी जो आई बाद में उसमें ये डिटेल आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एंड सेकेंड पॉइंट था इसमें ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका कहने का मतलब कि जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी है, और या तो सेल या तो उससे जो उनके जो प्रोडक्ट हैं उससे फॉर्म है, और दूसरा कि नई सेल जो है वो पुरानी सेल या किसी पहले की सेल से ही एराइज होती है। ये ओवरऑल सेल थ्योरी बोली।